नमस्कार वसुंधरा। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं निर्मला सीतारमण के बारे में। जी हाँ, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना होगा। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद सबसे तेज तरक्की करने वाले नेताओं में निर्मला सीतारमण का नाम आता है। पहले राज्य मंत्री का दर्जा, फिर कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री और अब वित्त मंत्री। वेंकैया नायडू के बाद दक्षिण भारत की उन चुनिंदा बीजेपी नेताओं में निर्मला सीतारमण का नाम आता है जो हिंदी में भी जोरदार भाषण देती हैं। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरई में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री नारायण सीतारमण और माता का नाम था सावित्री देवी। बचपन से ही निर्मला सीतारमण को राजनीतिक व्यवस्था को समझने में बहुत रुचि। तिरुचिपल्ली के सीता लक्ष्मी कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से 1980 में इकोनॉमिक्स में एमबीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद यहीं से एमफिल की डिग्री भी हासिल की। जेएनयू में ही निर्मला सीतारमण की मुलाकात काला प्रभाकर से हुई। बाद में दोनों की शादी भी हो गई। रोचक बात यह है कि निर्मला सीतारमण का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा था। तो वहीं पर काला प्रभाकर एक कांग्रेसी परिवार से थे। प्रभाकर की मां आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की विधायक रह चुकी थी और पिता 1970 के समय आंध्र प्रदेश की कांग्रेसी सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि सियासत कभी भी काम और रिश्तों में आड़े नहीं आई। निर्मला सीतारमण ने अपने आरंभिक करियर में प्राइस वाटर हाउस में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्य किया। इसके बाद बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी उन्होंने काम किया। निर्मला सीतारमण हैदराबाद की प्रणव स्कूल की संस्थापकों में से एक हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण साल 2006 में बीजेपी में शामिल हुई। कहते हैं सीतारमण को बीजेपी में सुषमा स्वराज लाई थी। एक साल बाद ही निर्मला सीतारमण के पति परकाला प्रभाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि इससे पहले प्रभाकर भी साल 2000 में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता रह चुके थे। पति के दूसरी पार्टी में जाने के बावजूद निर्मला सीतारमण बीजेपी में बनी रही। जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो निर्मला सीतारमण को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। प्रवक्ता रहते निर्मला सीतारमण गुजरात में काफी चर्चित हुई। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो निर्मला सीतारमण को राज्य मंत्री बनाया गया और राज्यसभा से सांसद भेजा। निर्मला सीतारमण अपने काम से पीएम नरेंद्र मोदी जी को भरोसा जीतने में भी कायम रही और बाद में देश की रक्षा मंत्री बनी। इसी तरीके से 2017 में निर्मला सीतारमण को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और रक्षा मंत्री बनाया गया। और 2019 में जब दूसरी बार मोदी सरकार बनी तो अरुण जेटली ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से मंत्री बनने से मना कर दिया और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों ये थी निर्मला सीतारमण की जीवन कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।